पंचायत क्षेत्र में परिवहन सुविधा का अभाव है। दांतरा से सराधना, कालेसरा व लालीखेड़ा आने व जाने के लिए साधन नहीं मिलते। लालीखेड़ा में राशन की दुकान नहीं है। गेहूँ लेने के लिए 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दांतरा में सुविधाओं का अभाव है। भवन भी जर्जर हालत में है। लालीखेड़ा के विद्यालय को 10वीं तक होना चाहिए। पेयजल, सड़क व रोजगार आदि प्रमुख मुद्दे हैं। यहाँ सरपंच चुनाव में आवाज राशन की टीम ने दांतरा व लालीखेड़ा गांव पहुंचकर मतदाताओं की नस टटोली एवं सरपंच प्रत्याशियों से बात किया। ये देखते हैं। पीसांगन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दांतरा में सरपंच पद के लिए प्रथम चरण में चुनाव होने हैं। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत दांतरा में। दांतरा ग्राम पंचायत में मेरे पास में जो लालीखेड़ा गाँव है, लालीखेड़ा गाँव से जो उम्मीदवारी पेश की है वो है शिवराज जी। हम इनसे बात करते हैं। शिवराज जी, आपने यहाँ पर सरपंच पद की दावेदारी पेश की है। हाँ जी। आप मेरे को ये बताएं कि ग्राम पंचायत जो दांतरा है, हाँ, वहाँ पर क्या क्या जनसमस्या है और आपकी लालीखेड़ा में क्या जनसमस्या है और आप सरपंच के चुनाव में क्यों खड़े हुए हैं? मेन समस्या साहब यहाँ पे है, सबसे पहले तो ये है जल की। साहब दूसरी बात यहाँ पे है 1000 के लगभग जनसंख्या हमारे यहाँ, उसमें नहीं तो 10वीं तक स्कूल नहीं है। और दूसरा बात, यहाँ राशन की दुकान भी नहीं है। सब लोग बाग दादरा जाना पड़ता है। ठीक है। आज तक ये सोल्यूशन नहीं हुआ है, इसीलिए हमारे गांव वाले सभी मिलके मेरे को चुना है कि आप यहाँ सरपंच पद पे खड़े हो, हम यहाँ से जिताएंगे। और हमारे ये गांव सबसे पिछड़ा हुआ गांव है। आज तक यहाँ पर कोई सरपंच नहीं बना हमारे गाँव का। इतनी बड़ी जनसंख्या है और ये अधिकतर यहाँ रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है लोगों को, तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं, गाँव वालों भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ लालीखेड़ा गांव का सरपंच बने और अच्छा रोजगार दिलाए और उन्नति करे गांव की। ग्रामीण जो यहाँ पर रह रहे हैं, क्या उनको पट्टे मिल पाए हैं या प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या मकान मिल पाए हैं? नहीं मिल पा रहे, पट्टे भी नहीं मिल पा रहे हैं। और यहाँ नालियों की भी गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ कोई सुविधा अभी तक नहीं हो पा रही। आप सरपंच पद की उम्मीदवारी के लिए आप खड़े हुए हैं, जनता के बीच आप जा रहे हैं, किन किन जन समस्याओं के बारे में लोग बाग शिकायत कर रहे हैं और आपका प्रचार कैसे चल रहा है, इसके बारे में बताएं। अभी तो हमारे गांव में और आसपास दातड़ा में भी प्रचार चल रहा मेरा, और यहां गांव की समस्या यही है। पहला तो ये राशन की दुकान हमारे गाँव में ही होनी चाहिए, सबकी ये समस्या। दूसरी बात, यहाँ पानी की समस्या है कि हमारे मोहल्ले में एक एक पॉइंट तो देना ज़रूरी है। और यहाँ आसपास मेन यहाँ कोई साधन नहीं है, गांव वालों को 5 किलोमीटर दूर पैदल यात्रा करके जाना पड़ता है अगर कोई यहाँ से गांव जावे तो। साधन नहीं है, साधन भी नहीं है। आपका पूरा नाम बताएं और आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा पूरा नाम शिवराज रावत है और मेरा चुनाव चिन्ह है ब्रूस। शिवराज रावत हैं, चुनाव चिन्ह का ब्रूस है। मेरे पास एक ग्रामीण भी है, हम इन ग्रामीण से बात करेंगे। साहब आप कब से रह रहे हो यहाँ लालीखेड़ा में? काफ़ी टाइम है साहब। काफ़ी टाइम हो गया। क्या लालीखेड़ा से कोई सरपंच बना है आज तक? नहीं बनिया सर, 30 साल पहले बनिया, बाकी नहीं बनिया। 30 साल से यहाँ पर सरपंच नहीं है लालीखेड़ा में। गांव का जो विकास है वो विकास किस प्रकार से है, आप लोग क्या चाहते हैं? सबसे बड़ी बात राशन की दुकान की है। राशन की दुकान की है, उसके अलावा? 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, कैसे धान लेता है, पैदल साधन है नहीं। अच्छा दूसरी बात, पानी की समस्या है। एक स्कूल के में 8वीं तक है, 10वीं है, ज्यादा अच्छी रहे, बच्चा बच्ची दूर जाना पड़ता है, आई समस्या। जो दावेदार खड़े हैं सरपंच पद के लिए, उनको और आपके जो दावेदार हैं शिवराज जी, इनमें क्या अंतर है दोनों में? शिवराज बहुत अच्छा आदमी है, इसके लिए कर सकता है काम, प्रजा के लिए बढ़िया काम कर सकता है। शिवराज अच्छा आदमी है, ये काम कर सकता है। ग्राम पंचायत दांतरा में जो प्रत्याशी खड़े हैं उनमें शिवराज जो हैं ये युवा हैं और लालीखेड़ा ग्राम पंचायत में रहते हैं। इन्होंने ये बताया कि मैं अगर सरपंच बनूंगा तो गांव के चहुमुखी विकास के लिए काम करूंगा। मैं आवाज़ राशन के लिए विजय कुमार पाराशर। ग्राम पंचायत दातरा में सरपंच के चुनाव हो रहे हैं, आपको किन किन जन समस्याओं को देखने को मिलता है यहाँ? शिवराज को चाहते हैं। क्या समस्या है आपको यहाँ पर, गांव में क्या विकास कार्य हो रहा है, इसके बारे में बताएं जी। मैं रोड को भी साफ करना है, दूसरी बात है तो मैं गेहूँ लेवा पड़ जाती है। कहाँ पे जाते हैं आपके गेहूँ लेने? दातरा जाती है। कितना दूर है दातरा? 3 किलोमीटर है। हाँ यार, बूढ़ी बूढ़ी लोग जाने भी नहीं आता है, लाना गेला मास करके आती है, वो भी बनना चाहे मैं के यार, मैं डॉक्टर भी नहीं है, छोटी भी तकलीफ बन जाओ तो डांतरे जावा लेटाने जावा यार, स्कूल 10वीं तक चावे, स्कूल 10वीं तक चावे। हाँ यार, और जो मैं के मेंबर का सरपंच लोग बनना चाहे, सरपंच अठा को बनना चाहे। आपका नाम बताएं? शांति देवी। ग्राम पंचायत दातरा में आपने फार्म भरा वार्ड पंच के लिए, आपका नाम बताएं? कालू। कालू, पूरा नाम बताएं? कालू राम कलाज।
काड़ूराम कलाल जी। काड़ूराम कलाल जी, आपके जो पंचायत में सरपंच के चुनाव हो रहे हैं और आपने वार्ड पंच भी चुना है, आप क्या कहना चाहेंगे, गांव का विकास कैसा करेंगे आप? विकास बढ़िया कराऊंगा सर। बढ़िया कराओगे गांव का विकास? विकास क्या कमी है? एक अपने कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव में लोग का सब परेशान है, वो भी दांतड़ा में ही है, और दांतड़ा से भी मतलब आधा किलोमीटर बाहर काट दी, उससे भी कैसा परेशान है। और है जो आपने शमशान घाट की, वो भी समस्या काफी है, सब जगह चद्दर वद्दर, धर्मशाला बाउंड्री सब जगह। रोजगार की क्या व्यवस्था है? रोजगार भी है जी, अभी जन बार पहले रोज दांतड़ा में फेमल चल रही थी, और अपने लाड़खेड़ा में अभी फेमल चली नहीं थी, बंद है यहाँ पर फेमल चली नहीं, तो ऐसी छोटी मोटी काफी मतलब व्यवस्था खत्म है लाड़खेड़ा में।